इस ओला S1 Pro में जो इसका एक मेन फीचर है वो है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक मीन्स अगर आप ये वाला फोन हमारा जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है मेरा वाला, तो मैं इसके पास लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी अनलॉक होना चाहिए और दूर जाऊंगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी लॉक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, जैसे आज हमें MoveOS 3 का नया अपडेट मिला है तो मैं आज आपको बता देता हूं कि हम इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो आइए आप मेरे फोन की स्क्रीन पे आके देखिए। तो ये मेरे फोन की स्क्रीन है और मैंने अनलॉक किया है फोन को और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैलिब्रेशन करने का आ रहा है, कैलिब्रेट करने का। तो इसको कैलिब्रेट करता हूँ मैं सबसे पहले। तो इसके लिए मुझे स्कूटर के आसपास घूमना पड़ेगा, गोल चक्कर लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आसपास गोल चक्कर काटता हूँ मेरे इस फोन के साथ। तो गाइस कैलिब्रेशन डन करने के लिए आपको अपनी ओला स्कूटर में फ्रंट साइड में आना है, देन एरो का बटन है इसको दबाना है, देन लेफ्ट साइड में जाना है, देन एरो का बटन दबाना है, देन आपको राइट साइड में जाना है एंड देन बैक साइड में जाना है और एरो का बटन दबाना है। ऐसे करते हैं आपको फ्रंट लेफ्ट राइट और बैक साइड में चले जाना है और अपने एरो का बटन दबाते जाना है, तो उससे आपकी ओला S1 Pro में कैलिब्रेशन डन हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने करते रहा और एक दो ट्राई करे मैंने और उसमें मेरा कैलिब्रेशन डन हो चुका। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कैलिब्रेशन डन कर दिया है मैंने हमारी ओला S1 Pro का। तो कैलिब्रेशन डन हो गया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ओला S1 Pro में हम प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कैसे यूज करेंगे। तो मैं प्रॉक्सिमिटी अनलॉक के ऊपर बटन पर दबा देता हूँ और यहाँ से अनलॉक अप्लाई कर देता हूँ इसकी सेटिंग। सॉरी अप्लाइड हो चुकी है, अब मैं इससे गाड़ी से दूर जाऊँगा और अनलॉक करके बताऊँगा। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी ओला S1 Pro अभी लॉक्ड कंडीशन में है और अभी मैं आपको बताऊँगा इसमें कि मैं जैसे ही गाड़ी के पास जाऊँगा ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो आप देखिए इधर, गाइस अनलॉक हो चुकी है। तो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक वर्क कर रहा है मेरा और ये गाड़ी हो चुकी अनलॉक। धीरे धीरे